का कंडीशन दिखाऊंगी। मेरे घर पे 5 दिन से कचरा उठाने नहीं आई। अब इस पानी को दे दो इधर को ना। हम घर पहुंच गए हैं, ये देख सकते हो आप। हम ये सारे ड्राई फ्रूट लेके आए हैं पूरे, कितने और के ड्राई फ्रूट है, केसर है देखो। ये मैं उनसे वो लेके आ गई थी, बोला उन्होंने बोला कि हिमाचल से हो ना तो इसको मतलब खेत में लगा के देखना, अगर लग गया तो केसर ही है तो फिर मैं आपको वहां से भेजूंगा ये और बीज। हाँ केसर का ही होता है ये, पता नहीं। अच्छा देखेंगे ट्राई करके फिर। फिर बाकी अखरोट है वहाँ के स्पेशल, फिर भी अखरोट ही है। फिर मैं राजमा भी लाई हूँ, फिर और क्या बोलते हैं क्या क्या आएंगे पता नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाई हुई हैं वो मैं दिखाती हूँ बाद में ना, पहले मैं अपना वो वाला स्टफ देख लेती हूँ। इसमें मैंने कुर्तियाँ, एक्चुअली मेरा ना बहुत सारा सामान, बहुत सारा तो नहीं पर 2 शॉल लिए थे मैंने, एक पश्मीना वाला वो ना जो राजा के महल के पास लिया था ना, एक वो हो गया, एक मतलब कुछ सामान मेरा रह गया वहीं पे गाड़ी में ही ना, हम बस पकड़ रहे थे, बस पकड़ने के चक्कर में ये हो गया। और ये 2 शॉल लिए हैं मैंने, ये एक तो मम्मी को है ना, है ना, और एक देखते हैं किसको है। आप डिसाइड करेंगे जिसको है, क्योंकि मेरा जो मैंने औरों के लिए गिफ्ट लिया था वो रह गया ना, चक्कर ये पड़ा। फिर अब क्या पर मंजू के लिए, मंजू के लिए लाई है ना, इसके अंदर ये रहता नहीं, चली था नहीं ये रहा मंजू के लिए, वो मैंने पहले इधर एडजस्ट कर दिए थे ना कपड़ों के बीच में। अच्छा ये लिया था मैंने एक, ये सूट मैं भी सिलवाऊंगी, और एक ये लिया मंजू को जो पसंद आएगा बोलूंगी, एक कफ्तान है ना ये जो मंजू को अच्छा लगेगा, पर दूजा मुझे लगा बीज थी था रह गई इसकी। ओ भाई एक और भी तो था भाई, वो रह गया वहीं पे। ओ नो, वो तो सुंदर था कश्मीरी कुर्ता, मंजू किस्मत खराब रही तो कश्मीरी कुर्ता भी रह गया उधर ही, कुछ नहीं आता। नहीं मिल गया उधर पॉलीथीन चल चलते हैं ना हमारे के अंदर, तुझे जो अच्छा लगेगा तू बोल देना। ये सिला सिलाया है ये? हाँ ये तो रेडीमेड है, मतलब ये वैसे वाला है कश्मीरी कुर्ता कढ़ाई, पर तुझे ये अच्छा नहीं लगेगा तो तू ये ट्राई कर सकती है, दोनों में से जो तो तुझे ये भी वैसे ही है कश्मीरी कढ़ाई वाला। पर ये नीचे चने सा जो ये लाल वाला बढ़िया है। हाँ क्योंकि ये न्यूली मैरिड है, ये ऐसा है वो ये नीचे चने बड़े बड़ी मोटे जगह मोटा जिसका देख ले जो देखो अच्छा लगे। ये ठीक है रेड वाला, रेड वाला मैंने पसंद किया था वैसे भी, ये पसंद किया था मैं कलर क्योंकि इसके फेस पे जचने वैसा आता है, इनके भी कश्मीरी कढ़ाई है ना ऐसे। आया ये मैं सोच रही हूँ कि इसमें से भी एक मंजू को ही दिया जाए, मम्मी को एक मंजू को। हाँ मम्मी को गे है मेरा है, मैंने कैसे लिया था वो रह गया उसमें, पश्मीना का भी था ना और एक ऐसा भी था जितना भी शौक था मुझे, कलर उनको अच्छा लगा ले लिया। तू देख लेगा तेरे को कप्तान अच्छा लग रहा होगा, नहीं कप्तान ऐसा बड़ा है तो पापाने को थी सारा अच्छा ऐसे सा है। और बस अभी पैर मेरे इतने सूजे हुए हैं रेस्ट करके, ठीक है कुछ खास नहीं, बस वो ड्राई फ्रूट लिया है वो दिखाऊंगी बाद में। खाना भी बन गया है, खा लेना था वो कहाँ के लिए होगी रेडी सारा स्टफ उठा के ये सामान हुआ है, इसको देखो कितनी जल्दी पड़ी हुई है घर जाने की। ओ भाई ये अकेले घर पे ना, हाँ वो बात नहीं जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब भी वही अकेले हुआ करते थे, देखो ऐसे होते हैं ना तो घर की केयर घर के तरफ बता ली भाई भाई की कमी पूरी कर रही है ये। अच्छा जी चलो खाना खा लेते हैं, नहीं हम तो पहले ना आएंगे ना क्यों खा लेते हैं।
ये कचरा मैंने रखा होता ना यहाँ पे, ये देख सकते हैं कचरा आप, इसमें हार्डली ये प्लास्टिक नहीं है, बच्चे वगैरह कोई डाल देते हैं ना, डाल देते हैं ना। और कचरा ये कितने दिनों से नहीं आया बच्चा, मैं 5 दिन घर पे नहीं थी, ठीक है हाँ जी। और एक तो ये रोज नहीं आते, और दूसरी बात है आप बताइए ना, अब आप जो ये बोल रहे हो ये अलग नहीं करोगे, ये रोज भी नहीं आते, और दूसरा जब आते हैं तो भी एक, अगर मान के चलो मैं घर पे नहीं हूँ, यहाँ पे रखा हूँ, भाई साहब इतना बकवास करा इस लेडी ने, फिर मुझे कैमरा लेके आना पड़ा। आज तक आपने देखी कभी मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो, मैं कभी, बहुत चीज़ें हुई हैं लेकिन कभी आपको शो नहीं करी, लेकिन इस लेडी ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया। देखो कचरा लेकर के नहीं गई, ये देखिए 5 दिन से पड़ा हुआ है कचरा, कंप्लेंट करके मैंने इनको बुलाया। अभी मैं आपको पूरा रोड का कंडीशन दिखाऊंगी, मेरे घर पे 5 दिन से कचरा उठाने नहीं आई, आज आई, इतना बकवास किया, उसमें कीड़े तक पड़ गए थे, कोई नहीं आ रहा था, कंप्लेंट मैंने चेयरमैन को कर दी। एंड सेकंड मैं आपको पूरा रोड का कंडीशन दिखाऊंगी, और बाकी इतनी बुरी हालत, इतनी बुरे तरीके से बात की, ये रही आपकी कंप्लेंट दे दी मैंने, और ये अब आगे जा रही है SDM के पास। ओके ये देखिए पूरा गंदा बदबूदार ये पानी सारा इधर को जा रहा है। सुबह जब हम लोग आए, आपको तो पता है कि 5 दिन से हम घर पे नहीं थे, जब आए तो ये पूरा यहाँ पे चल नहीं सकता था कोई, अभी सूख गया धूप की वजह से, अदरवाइज ये पूरा गंदा इतना बदबूदार, मतलब यहाँ से ना कोई निकल नहीं सकता, ये कंडीशन है इन लोगों की। और रोब देखो, SDM को क्या, मैं DC मंडी को डायरेक्ट करूँगी कनेक्ट। ये देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं, है ना, बिल्कुल ब्लॉक सिस्टम, कोई बोलने वाला नहीं, जो बोल उसके साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक, बट अब ये डायरेक्ट जाएगा, मैं टैग करूँगी। मैंने आज तक ये कंडीशंस, ये चीज़ें, जब बदतमीजी करें यार, 5 दिन से आप मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, फिर उल्टा जब बोल रहा है कोई तो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपने देखा सुना होता ना उसका बिहेव, ये है कंडीशन इधर सारा। और देखिए नालियों का, पानी की हर एक, ये कोई नहीं साफ करने, आगे तक ब्लॉक पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कश्मीर से आने के बाद हो रही है, यहाँ पे साफ सफाई, बहुत सारे ढेर सारे कपड़े इन लोगों ने, बच्चों ने भी गंदे किए थे, वो भी बकेट में भरे हुए थे, कुछ मशीन में धुल रहे हैं, कुछ यहाँ पे क्योंकि पानी नहीं था 2-3 दिन से, फिर आज पानी, तब कंप्लेंट दे करी, पानी को उधर डालो वेस्ट ना करो कहीं, फिर तब जा करके पानी आया ना, फिर उसके बाद ये सारे इतना ढेर यहाँ पे एक मशीन में शिफ्ट चली हुई है। काली वाली पैंट थी जो ऊपर, सारी पैंट ले आई हूँ मैं इधर ही है सारी, तो बस अब दवा दब धोना शुरू कर देते हैं ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए प्यास लगती है बार बार, तो मैं ले आई हूँ पानी की बोतल। देखो एक मिनट जो दे बैठने जो, ये लो लाई हूँ, ये किसके जूते हैं, ये लो मिट हो गया है, अब इस पानी को दे दो इधर को ना, ये वाली बाल्टी भी ठीक नहीं है, इसको ले लेते हैं, है? कपड़े धोने के चक्कर में हम हो गए हैं भारी लेट, और 5 बजे तक शायद खुला होगा ना, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बस फटाफट से गाड़ी निकालते हैं, बोर्ड दे के आते हैं क्योंकि बोर्ड देना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए टूर ये निकल गई गाड़ी, और फटाफट से जाके आते हैं, बोर्ड दे के आते हैं, मुझे देखे नहीं फाट छोड़ी दे, ये भी गुस्सा है ना आज मुझे, वहां पर जल्दी ज्यादा लेके होने वाला काम मलाई रखे ले, बोर्ड देना था वहां पहले जाए, लो जी लो आपकी बोर्ड के लिए ये सब, 5 मिनट के अंदर में रेडी हुई, 5 मिनट में फटाफट शॉवर लिया, कपड़े पहने बिना प्रेस की, वैसे तो नए ही आए हैं अभी ना ये, इनका मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी रिव्यू, बहुत प्यारा सूट है, बहुत ज्यादा प्यारा, ब्लैक एंड व्हाइट ना जच रहा है, मैं पूरा भी दिखाऊंगी आपको, अमेजोन से लिया था, और फटाफट से पहने कपड़े और निकल पड़े, किट बंद बस सब्जियों की दुकान, हाँ पता नहीं बोर्ड के लिए ही है शायद मार्केट बंद ना, और सब्जियों की दुकान और थोड़ा भाई जरूरी सी, वो सारी दुकानें खुली हैं, और पति देव ऐसे भगा रहे हैं गाड़ी की, आज तो इन्होंने भाई
जग जीत लिया है, जग नहीं जीत लिया है, वोट सरकार चुनने जा रहे हैं इसलिए मतलब इतना कर रहे हैं। आज इनकी सरकार बनने वाली है इनकी पसंद की। दो चार दिन घर से बाहर क्या रहे ना हम लोग, पानी नहीं था, कंप्लेंट करी। देखो इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई कंप्लेंट नहीं करता, गुजारा कर लेंगे, बॉडियों से भर लेंगे लेकिन कंप्लेंट नहीं करेंगे। पता नहीं भाई क्या क्यों डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं। तो हमने कंप्लेंट करी, फिर पानी आया, तब जा करके कपड़े धुले, फिर जा रहे हैं अभी वोट देने। ये गए गाड़ी पार्क करने और मैं चलती हूँ आगे, एक जिम्मेवार नागरिक का फर्ज निभाने, है ना। तो ऐसे ऐसा है, थोड़ा सा दूर है एक्चुअली हमारे घर से ना ये, और जो मार्केट वाले हैं, क्योंकि बाढ़ का फ़र्क पड़ जाता है ना, और जो मार्केट वाले हैं उनका जो स्कूल है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ जी पार नहीं, बस ये थी या तू सर मार्केट हुआ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, मुझे लगा कि हम भी लेट हैं, पर अभी निकल रहे हैं लोग वोट डाल के। यहाँ पे है हमारा वोटर, चल ही रहे हैं, मतलब पौने कितने 4:30 होने को आए हैं, बस ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ी है, भीड़ भी नहीं है, बढ़िया है। इधर को भी और इधर को भी रश है नहीं, अब तो कहाँ है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा रश नहीं है, निकल गए हैं सारे मतलब करके। ये आपका निकाल लो, ये मेरा दे दो मेरे को। लो जी हो गया हमारा वोट, ये रहा मेरा वोट। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने बोला था ना मेरे बोलने पे चलोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं कहीं पर भी वेस्ट करना पड़ता। ये मेरे को सुबह से डांट रहे हैं कि भला वोट देने चलो। मैं कह रहा हूँ अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज थी दिन में ना, फिर अभी मौसम भी एक तो अच्छा हो गया और दूसरा कि हमारे काम भी कपड़े धोने के लिए ऐसा है। तो नमस्ते, ऐसे जी काम के ठीक रहता है, आराम से आए पटा। तो फाइनली हाँ हाँ ये काम भी कंप्लीट होने जा रहा है। क्या गिरी है एक्चुअली, कई दिनों से ना ये प्लम्बर वाला काम बचा हुआ था, तो कल हमने डरते डरते पहले उनसे पूछा कैसे थे, हम रूम अभी कनेक्ट करा नहीं है अभी, अगर आपको चाहिए तो। उन्होंने बोला कि नहीं हमें यही रूम चाहिए, फिर बोले कि भी यही रूम चाहिए और नहीं चाहिए, फिर नीचे वाले भी मतलब दिखाए थे, तो फिर भाई लोग उससे रिक्वेस्ट करके आज काम करवाया जा रहा है इसका ना। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैंने अभी पिया हुआ मैंगो शेक ना, तो उसके बाद बहुत बढ़िया बना था, क्योंकि मैंने अभी अम्मी 2-3 दिन हुए कश्मीर से आए हुए ना, तो थोड़ा हम खाना स्किप कर रहे हैं। कश्मीरी ड्राई फ्रूट, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा कैमरा साफ नहीं आ रहा, साफ कर लेता हूँ। कश्मीरी ड्राई फ्रूट डाले थे ना उसको हमने, हाँ हाँ, फ्रीज करके। और देखो इनको कैसी मस्ती सूझी हुई, ठंडी ठंडी हवा चली हुई ना, अंदर तो गर्मी है ना इस टाइम पे, नहीं फैन लगा के तो नहीं है गर्मी, पर फिर भी भाई बाहर का मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना, ऐसा लग रहा है कहीं बर्फबारी हो रही है ना पहाड़ियों पे। बर्फबारी होती है ना, तो इतनी ठंडी इतनी ठंडी हवा नहीं, अभी नहीं हो रही बर्फबारी हो रही है, तो शिमला शामला बारिश हो रही होगी ना। हाँ ये हो सकता है, नहीं मनाली में बर्फबारी हुई है। शानवी में टुकड़े क्या कर रहे हो आप लोग, जब हम कश्मीर में थे ना, हाँ जी मनाली में बर्फबारी हुई है। हाँ बर्फबारी बोला था मेरे को, बोला आप इधर आए, बोले और कमेंट पड़ा था कि क्या, तो ऐसा है वो लेके आना था डस्टबिन मिट्टी पीछे से लेके, और जल्दी करो ना, पर इधर कहीं देखो ना।